हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। पलटन छावनी पहुंचा नशा मुक्ति का अमृत कलश। बाल निकुंज इंग्लिश स्कूल के छात्र छात्राओं व अध्यापिकाओं ने लिया आजीवन नशा मुक्त रहने का संकल्प। नशा मुक्त समाज आंदोलन अभियान कौशल का जिला प्रभारी अनिल कुमार अग्रवाल के नेतृत्व में राजधानी के स्कूल कॉलेज में नशा मुक्त संकल्प सभाएं की जा रही है। इस आंदोलन को गति देने के लिए बीकेटी ब्लॉक प्रभारी नागेंद्र बहादुर सिंह चौहान की अगुवाई में नशा मुक्त अमृत कलश यात्रा निकाली जा रही है। इसी कड़ी में सोमवार को जिला प्रभारी के प्रतिनिधि अभिषेक अवस्थी नशा मुक्ति का अमृत कलश लेकर बाल निकुंज इंग्लिश स्कूल पलटन छावनी लखनऊ पहुंचे। इस संकल्प में ब्लॉक इंचार्ज नागेंद्र बहादुर सिंह चौहान ने बच्चों को नशे के तमाम रूप से उनके दुष्परिणाम बताए। उन्होंने बच्चों को कहा कि वे अपनी दोस्ती नशा मुक्त रखें, सब लोग अपने विद्यालय परिवार और पड़ोस को नशा मुक्त रखने का सफल प्रयास करें। सभी बच्चे अपने राष्ट्र और समाज को नशा मुक्त बनाने की दिशा में सकारात्मक पहल करें। सभा के दौरान स्कूल के सभी विद्यार्थियों एवं शिक्षिकाओं ने आजीवन नशा मुक्त रहने का संकल्प लिया। इस संकल्प सभा में जिला प्रभारी की ओर से विद्यालय के प्रिंसिपल रश्मि शुक्ला को अभियान का पटका बनाकर सम्मानित किया गया। सभी विद्यार्थियों एवं शिक्षक शिक्षिकाओं को लाल पत्र वितरित किए गए। आरपीएस समाचार से ब्यूरो रिपोर्ट उन्नाव। इस देश में भारतीय जनता पार्टी जनता पार्टी की सरकार और गुराब की दिखाई बता लगी थी। तो गांव में एक अवधि में कहावत है, जिसे लखनऊ कहावत में आता है, यहाँ एक कहावत है कि नया धोबी तकलीम साथ। क्या कहावत है? तकलीम साथ, मतलब जो नया नया धोबी होता है ना, तो जो कतली होती बिछाने वाली उसके सामने लग लगता है, मतलब लोग समझे बड़ा अच्छा काम करते हैं। तो ये विचार गुराब की दिखाई किया या भारतीय जनता पार्टी के जो कैबिनेट की उसमें विचार आया कि कुछ ऐसा काम पहले पहले जनता के पैटर्न में किया जाए, कोई ऐसा निर्णय किया जाए पूरे देश में मैसेज जाए कि हम लोग इस देश को बहुत आगे ले जाते हैं। और उन्होंने क्या किया, पहली चरण की बैठक में निर्णय ये लिया, चर्चा ये हुई कि शराब की वजह से घरों के झगड़े हो रहे हैं, शराब की वजह से रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं, बहुत ज्यादा लोग मर रहे हैं, शराब की वजह से मर्डर हो रहे हैं, शराब की वजह से घरों में महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा हो रही है, पति जाता है शराब पीता है और घर में आकर की पत्नी को पीटता है, गालियां देता है। और ये सच्चाई है, ये जितनी चीजें सोची गई वो आज भी नहीं। आज भी आप क्या मानते हैं सड़क पर जो एक्सीडेंट होते हैं, जो मौतें हो रही सड़क पर, उसके पीछे शराब नहीं, नशा नहीं, शायद 80% नशा। हम नशे में नहीं है, मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, लेकिन कोई बस वाला या ट्रक वाला नशे में जा रहा हो और हमारे ऊपर चढ़ रहा, तो उसमें जो है घरों में जो झगड़े हो रहे हैं उन झगड़ों में भी 95% झगड़े नशे के कारण। इन बातों को सोचकर जनता पार्टी सरकार ने निर्णय लिया कि आज रात 12 बजे से पूरे देश में ना कोई शराब की फैक्ट्री खुलेगी और ना कोई दुकान खुलेगी। संपूर्ण मध्य निषेध लागू कर दिया गया इस देश के अंदर और 3 साल लागू। भारत में 1977 से 1980 तक शराब की सारी फैक्ट्री बन रही और सारी दुकानें बंद रही, कितने मॉडल साफ इतनी दुकानें कच्ची और बियर इतनी सॉफ्ट थी सब बंद, सारी सॉफ्ट बंद सारी फैक्ट्री बंद। और आप आश्चर्यचकित रह जाओगे, आज भी गूगल पर जाइए, आप नेशनल क्राइम ब्यूरो का रिकॉर्ड आप निकालिए तो आपको मिलेगा कि 1977 से लेकर 1980 के बीच में इस देश में सबसे ज्यादा अगर मौतें हुई तो जहरीली शराब की वजह से कैसे हुई। और क्या था उस समय, 3 साल सारी फैक्ट्री बंद थी, सारी दुकानें बंद थी और मरे कैसे, जहरीली शराब, क्यों, क्योंकि हमारी नींद नहीं खत्म। सरकार ने क्या किया, दुकान तो बंद कर दी, फैक्ट्री बंद कर दी, लेकिन हमारी डिमांड तो बनी रही, हमारी मतलब कि जो लोग नशे के आदि थे। तो क्या हुआ, एक घरेलू उद्योग बन गया, गाँव में कस्बों में जगह जगह वो कच्ची दारू बनने लगी और उसकी कोई शराब जो बिक रही है आपके देखो पर उससे क्या होता है, बियर हो बियर 5% 8% 13% वैल्यू पर वैल्यू इसका मानक होता है, मतलब कि इसमें इतनी अल्कोहल है। और शराब होती है 42% 42%